तो जैसे कि आप लोग को पता है, YouTube एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से लेकर लाखों से करोड़ों रुपए तक कमा सकते हो। इसी वजह से आज के टाइम पर YouTube पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप लोग आज के टाइम पर YouTube चैनल स्टार्ट करोगे तो आप लोग को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इस वजह से आपका चैनल ग्रो भी नहीं होगा। तो अगर आप लोग 2023 में YouTube पर ग्रो होना चाहते हो, YouTube पर सक्सेस होना चाहते हो, तो आज तक आप लोगों ने जो भी सीखा, जो भी सुना, उन सबको पीछे छोड़कर अब नए तरीके से आप लोग को काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उन लोगों से आगे बढ़ पाओगे जो लोग आपके साथ कंपटीशन में और आपके साथ सक्सेस होना चाहते हैं। अगर आप लोग कुछ ऐसा कर देते हो जो कि वो लोग नहीं कर पाते, तो 100% आप लोग 2023 में जो है अपने चैनल को सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको 5 टिप्स ऐसे देने वाला हूँ जिसको अगर आप लोग यूज़ करोगे तो उसके बाद जो है आप लोग अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे। आप लोग अगर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप के एक बार 5 पॉइंट को एक बार ध्यान से देख लो, उसको अप्लाई करो, उसके बाद आपको 1 महीने में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और आप अपना चैनल अभी से स्टार्ट कर दोगे ग्रो करना। तो वीडियो को बिना स्किप के एक बार पूरा देख लेना, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, आपको उनको फॉलो करना है और आप अपना चैनल ग्रो कर पाओगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है सिमिलर टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग किसी भी बड़े क्रिएटर्स का चैनल देख लेना, उसमें आप उनकी जो भी सबसे पहली वीडियो जो भी वायरल होगी उसी सेम टॉपिक पर उनके चैनल पर मल्टीपल वीडियोज़ होगी, मतलब सेम टाइटल भी वही होगा, सेम कॉन्टेंट भी वही होगा। सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि जो ओल्ड वीडियो था उसको फिर से रिकॉर्ड करके न्यू वर्जन में बना दिया। आप किसी भी क्रिएटर को ले लेना, उनकी जो भी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई होगी उसी सेम टॉपिक पर आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ उनके चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको भी सेम यही करना है, जो भी आपका आपके चैनल पर जिस भी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आए उन सेम टॉपिक्स को कवर कर लेना है, वो आपको बार बार उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है। अब उससे क्या होगा, आपके चैनल पर बार बार आएगी और आपको रिटर्न व्यूअर्स मिलेंगे, इससे आपका चैनल ग्रो होगा और आपके वीडियोस पर व्यूज भी आएंगे। तो अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनानी है। अब यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक सुनकर आप हर किसी टॉपिक पर वीडियोस मत बना देना, आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है जो आपका चैनल के नीच के अकॉर्डिंग हो। जैसे मान लो आपका चैनल टैक्स है और आप कोई कॉमेडी वीडियो वाला ट्रेंडिंग टॉपिक उठा लोगे तो उससे सब्सक्राइबर्स तो आ जाएंगे लेकिन आपके चैनल पर रिटर्न व्यूअर नहीं आएंगे और आपका चैनल का ऑडियंस रिटेंशन भी खराब कर देंगे और आपका चैनल भी कभी ग्रो नहीं होगा। तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनानी है लेकिन आपको अपने चैनल की नीच के अकॉर्डिंग बनानी है। जैसे अगर टेक में कोई आपका चैनल है तो टेक में जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है उस पर आपको वीडियोस बनानी है, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है आप लोगों ने ऑलरेडी हर किसी यूट्यूबर से सुना होगा, वॉच योर सेल्फ, मतलब कि आपको खुद को अपने वीडियोस देखने हैं। अब इस टाइप से आप लोगों ने कर लिया होगा लेकिन आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ होगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है। लेकिन उसका एक प्रॉपर मेथड होता है कि किस तरह से हमें अपने वीडियोस को देखना है खुद से और उसके बाद यूट्यूब उसको खुद प्रमोट करेगा। अब हमें क्या करना है, हम जैसे वीडियोस देखते हैं, जैसे मान लो मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी उसके बाद मैं अपने 2-3 मोबाइल से जो है कंटिन्यूसली देखता रहता हूँ, अब मैं 50 बार देख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली व्यूज डाउन हो जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास अगर 2-3 मोबाइल है तो आपको सब में जो है एक बार चला देनी, उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद दूसरी बार चलानी, उसी तरह से आपको टाइमिंग का गैप जो है वो मेंटेन करके व्यूज लाने हैं ताकि यूट्यूब को ऐसा लगे कि हाँ कोई एक यूज़र है जो बार बार ये वीडियो देख रहा है लेकिन उसको जो है थोड़ा टाइम बाद देख रहा है, इस वजह से वो व्यूज़ में काउंट होगा और उसका वॉच टाइम भी काउंट होगा। तो आपको अपने वीडियोस को देखना है लेकिन उसको टाइम देकर देखना है, ठीक है। एक के साथ देख लोगे तो उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो तीसरा पॉइंट ये, अगर आप लोग यूज़ अभी तक कर रहे थे तो इसको प्रॉपर वे में करना, प्रॉपर मेथड अप्लाई करके करना, तो 100% आपके चैनल में स्टार्टिंग के फेज में व्यूज़ आएंगे। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ये जो सारी टिप्स है वो आपके चैनल पर भी ग्रो करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। अगर आप लोग ऑडियंस रिटेंशन के बारे में जानते हो तो आप लोग जो है ऑलरेडी यूट्यूबर बन चुके हो, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने चैनल पर ग्रो करनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग इसको बढ़ा नहीं पाते तो आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, जब भी आप लॉन्ग वीडियोस डालते हो तो उसमें आपकी जो भी वीडियोस चल जाती है उसके शॉर्ट्स बनाकर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हो। उससे क्या होगा, जिन लोगों तक आपके वीडियोस नहीं पहुंचे उन लोगों तक जब भी आपके वीडियोस शॉर्ट वीडियोस पहुंचेंगे तो आपके फुल वीडियोस देखने का आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका शॉर्ट वीडियो भी वायरल होगा और उसी तरह से आपके व्यूज़ जो है वो लॉन्ग वीडियोस पर भी आने लगेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑडियंस रिटेंशन का बहुत ध्यान रखना है, आपको थंबनेल भी अच्छे बनाने हैं और आपको अपने वीडियो का टॉपिक भी इस तरह से चूज़ करना है लोग उस पर बने रहे और उनको देखने में इंटरेस्ट आए। तो अब बात करते हैं फिफ्थ, मतलब कि लास्ट पॉइंट के। तो यहाँ पे सबसे जो कॉमन चीज़ है जो कि हम सभी लोगों ने मिस्टेक करी होगी कि हम अपना वीडियो जो है वो शेयर कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कभी भी अपना वीडियो शेयर नहीं करना। आप लोगों ने बड़े क्रिएटर्स से सुना होगा कि अपने वीडियोस को कभी शेयर मत करना, उससे आपका चैनल डाउन हो जाएगा, आपके वीडियोस पर कभी व्यूज़ नहीं आएंगे। हालांकि ये बात इसलिए सही है क्योंकि जिन लोगों को आप वीडियो शेयर कर रहे हो उनको आपके वीडियो में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर वो आपके वीडियोज़ को क्यों देखेगा।
अगर आप अपने फ्रेंड को कोई अपना वीडियो शेयर करते हो, उसको पसंद ही नहीं है उस कैटेगरी में या फिर उस टॉपिक पर, तो क्यों देखेगा वो? आप जब उनको शेयर करते हो तो वो सिर्फ लिंक पर क्लिक करके वीडियो ओपन करके बैक कर देगा। अब इससे यूट्यूब को क्या लगेगा कि आपका वीडियो अच्छा नहीं है, इस वजह से यूज़र ने उस वीडियो को छोड़ दिया। तो इसी वजह से आपको जो है अपना वीडियो कभी भी शेयर नहीं करना। हालांकि आप उन लोगों को शेयर कर सकते हो जिनको आपके टॉपिक्स में, आपके नीश में इंटरेस्ट है। आप उन लोगों को जब शेयर करोगे तो ऑब्वियसली वो लोग आपका वीडियो देखेंगे और उसके बाद आपके व्यूज़ इंक्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन आप लोग जब भी व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह पर शेयर करते हो, उस तरह से कभी मत करना। आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएंगे और आपका चैनल डाउन हो जाएगा। तो आई होप गाइज आप लोग को ये पांचों पॉइंट अच्छे लगे होंगे। पांच में से अगर तीन पॉइंट भी अगर आप लोग अप्लाई करोगे, खुद से मेहनत करके खुद से ट्राई करोगे, तो ऑब्वियसली आपका चैनल एक मंथ में जो है ग्रो हो जाएगा। आपका वीडियोज़ पर व्यूज़ आने लगेंगे और आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका वीडियो वायरल होगा तो वायरल होने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वायरल होने के टाइम पर आपको सिर्फ एक महीने तक आपको रीच मिलेगी, उसके बाद आपका चैनल डाउन हो जाएगा, आपका चैनल डेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यूसली मेहनत करोगे, धीरे धीरे ग्रो करोगे, तो आपके जो व्यूअर्स है वो आपको रिटर्निंग व्यूअर मिलेंगे। जब भी आप वीडियोस अपलोड करोगे तो आपके वीडियोस पर व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से आपको अपने चैनल को धीरे धीरे ग्रो करना है। इसी तरह से आप अगर ग्रो करते रहोगे तो 2023 आने तक आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और आप अपने चैनल पर से अच्छे खासे अर्निंग भी करने लगोगे। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।